लोरमी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है और क्षेत्र में 15 वार्डो की मतगणना के बाद 6 पार्षद कांग्रेस पार्टी के तो 5 भारतीय जनता पार्टी के तो वहीं 4 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पार्षद प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला कोटे से था और जिसके लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया होनी है। वंदना सिंह बैस का नाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी में लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं तीनों पार्टी के नेता नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी किरण राकेश दुबे भी लोरमी नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि नगर की सरकार तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की ही बनेगी। नगर पंचायत में जो चुनाव हुआ उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और चूंकि लोरमी नगर पंचायत महिला के लिए आरक्षित सीट है और हमारे यहाँ से 4 महिलाएं जीत कर आई हैं, सभी शिक्षित सशक्त महिलाएं जीत करके आई हैं और हमारा दावा है कि बाकी पार्टियों के कुछ पार्षद और कुछ जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा तो हमारी पार्टी को वो मदद करेंगे और हम अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब होंगे, ऐसे मुझे आशा है। नगर पंचायत चुनाव भी सम्पन्न हुआ है, उसमें से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई हैं। हमको नगर अध्यक्ष बनाने के लिए 8 सीटें चाहिए था और हमारे पास में भी 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं, सारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ में हमारे साथ में है। 6 तारीख को नगर पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है और ग्वालियर